पहली रचना, पहली रचना तो पहला पत्ता ही है, प्रकृष्ट रचना प्रकृति है, जगदम्बा है। पाप आते हैं तो पहला पहला ब्रह्मा कौन बनता है? प्रजापिता बनता है या जगदम्बा बनती है? जगदम्बा पहला पहला ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा हो गई, परंतु जगदम्बा में जो प्रवेश करती है वो सिर्फ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश करती है, सुनने और सुनाने के लिए प्रवेश करती है। पहला ब्राह्मण बनाने के लिए प्रवेश करती है, तो ब्राह्मण कब बनेगा? इसके मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण निकलते हैं। तो मैं जिस मुख में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो पहला पहला ब्रह्मा वो हुआ जिसके मुख से सुनाया गया दादा लिंगराज के साक्षात्कार। तो जगदम्बा निमित्त बनी, वो हो गई पहला ब्रह्मा, और उससे जिसने पहले पहले सुना और सुनने के साथ समझा भी वो हो गया प्रजापिता ब्रह्म, ज्ञान का बीज रोपण करने वाला, ज्ञान का बीज बोने वाला। तो वो रचयिता हो गया और जगदम्बा रचना हो गई। पहली पहली रचना है लेकिन प्रकृष्ट रचना है, इतनी पावरफुल है कि माया इतनी पावरफुल नहीं है। एडवांस के बच्चों का माया बेटी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, सब शक्तिवान होते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, थक जाती है, तंग हो जाती है। आखिरी माया को किसका आश्रय लेना पड़ता है? किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ है? प्रकृति ज्यादा पावरफुल, परंतु जड़ तो वही बुद्धि है। बुद्धि कैसी है? जड़ बुद्धि है। बाप को पहचानने वाला ज्यादा चैतन्य बुद्धि कहा जाता है या पहचान करके मान करके सहयोग दे करके जीवन में साथ निभा करके फिर बाद में भूल जाए ना माने, उसे चैतन्य बुद्धि कहें? माया प्रकृति को भी बुद्धू बना देती है, प्रकृति से भी ज्यादा पावर है। सारी संचि का विनाश किसके द्वारा होता है? प्रकृति के द्वारा सारी संचि का विनाश होता है। माया तो 2500 साल से अपना काम करती चली आई, माया का विस्तार होता जाता है लेकिन संचि का विनाश नहीं होता। ये प्रकृति इतनी पावरफुल है जो बाप का काम कर देती है, और बाप का काम है ही पुरानी दुनिया का विनाश, सद्धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सभी धर्म पिताओं ने आकर के धर्म की स्थापना की है, परंतु वो धर्म पिताएं क्या नहीं कर सके? पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुरानी चलन का कोई विनाश नहीं कर सके, पुराने धर्मों का कोई विनाश नहीं कर सके,
उनकी धर्म स्थापना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वो बनाना चाहते हैं स्वर्ग, लेकिन बना नहीं सकते। बाप ही आकर के पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, परंतु खुद नहीं करते। किसको निमित्त बनाते हैं? शक्तियों को निमित्त बनाते हैं। और तिरुपति बालाजी को दो पत्नियां हैं। तिरुपति बालाजी को दो पत्नियां हैं। हाँ जी। श्री देवी भू देवी। बालाजी पैसे सोने मांगते हैं। पैसे सोने मांगते हैं और बाल भी मांगते हैं। सोना और पैसा चढ़ाया जाता है ना। और बाल भी चढ़ाया जाता है। ठीक है। धन और सोना रश्मि का निशानी है। जगदम्बा सिद्ध धर्म वाली, सिद्ध धर्म वाली, इसीलिए बाल जगदम्बा का निशानी हो सकता है क्या बाबा? जगदम्बा को ही बाल होते हैं, और कन्या माता को बाल नहीं होते क्या? हाँ, बाल लिए जाते हैं वहाँ। हाँ, बाल लिए जाते हैं। बाल जो है वो जटाओं की बात है। ये ज्ञान की जटाएं जो है, जो भगवान आकर के ज्ञान की जटाएं देते हैं, वो माया क्या करती है? सबका माथा मूड़ लेती है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। तो तिरुपति में एक है श्रीदेवी, तो श्रीदेवी माया ना माथा मूर्ति नहीं है। माथा मूड़ने का निमित्त कौन बनती है? महाकाली। और मृत्यु लोग, पाताल लोग, नरसत्य लोग, ये तीन लोग प्रैक्टिकल में खराब। सत्युग, त्रेता, स्वर्ग लोक, द्वापर कलयुग, पृथ्वी लोक। कलयुग का अंतिम समय में जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह में शान शौकत बहुत बढ़ जाती है, तो वो पाताल लोक है। कलयुग का जो अंतिम चरण है तमो प्रधान, वो पाताल लोक है। जब एटम बम बनना शुरू हो जाते हैं, असुर देवात्माओं को बहुत दुख देना शुरू कर देते हैं। और अफ्रीका ने असली सेवा शुरू कर दी। अफ्रीका ने असली सेवा शुरू कर दी। अपने ज्ञानी अफ्रीका ने असली सेवा शुरू कर दी है, तो कैसी सेवा? जो सेवा वास्तव में पवित्रता को स्थापन करने वाली सेवा है, एक बाप का इशारा देने वाली सेवा है, वो अफ्रीका ने शुरू की है। इसलिए अव्यतवाणी में ये भी बोला कि विजयमाला का आवाहन करो तो रुद्रमाला के मणके भी पवित्र होने लगेंगे। पवित्रता की शक्ति से दुनिया के सारे काम होते हैं। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन पवित्रता की ताकत नहीं है। तो पवित्रता की स्थापना जब तक नहीं हुई है बुद्धि में, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। है श्रेष्ठ संकल्प चले और पुरुषार्थ ना हो पाए, उसके अनुसार पुरुषार्थ ना हो पाए। पुरुषार्थ होने के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है, आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करने की। दुनिया से वैराग लाने की जरूरत है। दुनिया से वैराग जितना आता जाएगा, बाप में उतना ही अनुराग बढ़ता जाएगा।
तो श्रेष्ठ संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। एकाग्रता की शक्ति न होने के कारण संकल्पों की सिद्धि नहीं हो पाती है। जिनको धारणा नहीं होती है ये तो ले जाने वालों की कमी है। ले जाने वालों को ठोक बजा के ले जाना चाहिए कि पक्की धारणा है या भूत प्रेत है, है? हाँ तो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, मान मर्तबा लेना चाहते हैं कि देखो हम इतनी आत्माओं को निकाल के ले आए, लेकिन कचरा रे उठा के ले आए या पांडवों को निकाल के लाए। पांडव तो पांच ही होते हैं, देखना चाहिए ना ये परख शक्ति पहले से होना चाहिए कि बाप को पहचाना है या नहीं पहचाना है। जिसने पहचाना होगा वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बाप को पहचानते हैं तो पवित्र रहने के लिए भी प्रतिज्ञा पत्र लिख देते हैं। पवित्र रहना भी शुरू कर देते हैं। तीन रेखा शंकर में जो दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में, उसका क्या मतलब है? ये त्रिशूल की निशानी है। नीचे की रेखा ब्रह्मा की, बीच की रेखा विष्णु की और ऊपर की रेखा शंकर की रेखा है। कोई कोई त्रिपुंड लगाते हैं खड़ा, जो विष्णु के पुजारी होते हैं वो खड़ा त्रिपुंड लगाते हैं। अपने त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति को खड़ा हुआ दिखाया है? विष्णु, पवित्रता के पुरुषार्थ में विष्णु खड़ा हुआ है। और शंकर जी के जो तीनों रेखाएं दिखाई जाती हैं वो पड़ी हुई है, चाहे ब्रह्मा की हो, चाहे विष्णु की हो, चाहे शंकर की हो। और किसी ने समझा नहीं, फिर बोल के बताओ। तीन रथ बताते हैं भक्ति मार्ग, तीन रथ बताते हैं भक्ति मार्ग। हाँ, नंदी रथ, नंदी घोष, ताम्र ध्वज, देवगण। क्यों ब्रह्मा ध्वज नहीं दिखाते? बाबा बोल रहे हैं कि भगवान की तीन रथ दिखाई जाते हैं। हाँ, नंदी घोष है, नंदी तो ब्रह्मा हो गया, ताम्र, ताम्र माने तांबे का, ताल ध्वज, ताल ध्वज तो सुना नहीं गया कभी, है? देव, देव दलन, देवताओं का दलन करने वाला, देवताओं का दलन क्यों करा जाएगा? कहाँ से ये बातें उठा ली है? कौन से शास्त्र से उठाई है? जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा बताते हैं। नहीं बताते हैं वो, जगन्नाथपुरी में तीन रथ निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं तो तीन वहाँ देवताएं दिखाए जाते हैं। जगन्नाथ,
और उनके साथ बलभद्र और तीसरी सुभद्र, तो तीन देवता हैं, तो उनके तीन रथ दिखाए गए। एक रथ तो होगा नहीं। हाँ, लक्ष्मी का और तीन रथों का महत्व क्या है? अरे जगन्नाथ के रथ की महिमा है। जब रथ यात्रा निकलती है तो किसका रथ याद आता है? जगन्नाथ का रथ की यात्रा या महत्व है। बाकी उन दो रथों का महत्व थोड़ा ही है कोई। बलभद्र का रथ है या सुभद्रा का रथ है? जो रथ है, रथ में चढ़ने वाला भी कोई दूसरा होगा। जगन्नाथ के रथ पे चढ़ने वाला तो भगवान ही है। और जहाँ युद्ध ना होता हो, खून खराबा ना होता हो, वो अयोध्या ही राम की जन्मभूमि है। तीनों जो प्रसिद्ध देवताएं हैं, उन तीनों का स्थान भगवान के रूप में भारत में ही दिखाते हैं। शंकर का भी दिखाएंगे विश्वनाथ के रूप में, काशी विश्वनाथ मथुरा में दिखाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि अयोध्या में दिखाते हैं, राम जन्मभूमि। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। वो समझते हैं राम ने कोई हिंसा की होगी। अरे उनका तो अहिंसा से ही जन्म है, उनकी प्रत्यक्षता ही अहिंसा से होती है, तो हिंसा कैसे करेंगे? अहिंसा की दुनिया हिंसा से थोड़ी बनाई जा सकती है। और अर्श अर्श कहते हैं परम धाम को। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। फर्श कहते हैं पृथ्वी को। अर्श का मुसल्लिम ईमान रखने वाला अल्लाह, जिसका ईमान सत्य पर आधारित है, वो अल्लाह माने सबसे ऊंचा, जो परमधाम वासी है। वो अर्श का वासी है। वो ही मुसल्लिम ईमान बनाता है। आज के लोग तो बेईमान हो गए हैं। ईमानदार बनाने वाला कौन है? बाप ही आकर के सिखाता है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार। और ब्रह्मा तो बुड्ढा है इसलिए बाबा है, और शिव तो वास्तव में सबका बाबा है, वो बापों का बाप है। जो धर्म पिताएं हैं उनका भी बाप है, इसलिए वो हमारा बाबा है। असली बाबा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े होने की वजह से बाबा कह दिया। और तीसरा
विष्णु तो चाचा है, क्या बाप का छोटा भाई है, और शंकर तो ताऊ है, वो बाप का भी बड़ा भाई, ब्रह्मा का भी बड़ा भाई है। और राम को जंगल में दिखाते हैं, बंदरों के जंगल में नहीं दिखाते हैं राम को? राम बंदर के जंगलों में गए कि नहीं? गए ना, तो नहीं दिखाते ऐसे कैसे कहेंगे? राम को जंगल में रहने वाले बंदरों के बीच में भी दिखाते हैं, अयोध्या में भी दिखाते हैं, अयोध्या में उनका जन्म हुआ, जन्म रूपी प्रत्यक्षता हुई। सबने हिंसा की होगी, उन्होंने हिंसा नहीं की होगी, तो ऐसी जो प्रत्यक्षता होगी उसे अयोध्या में जन्म लेने वाला बना दिया। देह अभिमान से होती है हिंसा और आत्मा अभिमान से होती है अहिंसा। और ज्ञान को बाबा ने बोला है विशेष ज्ञान है, विज्ञान का मीनिंग बाबा ने विशेष ज्ञान बताया था जी। अभी विज्ञान चमत्कार सामने आ रहे हैं बाबा जी, वैज्ञानिक की घोषणा भी करते जा रहे हैं। हमने जो सबसे पहले एक नया रिसर्च हुआ है, उसने ये बताया कि गॉड पार्टिकल के रूप में ओजोन पार्टिकल है करके, भगवान को होता नहीं है करके वैज्ञानिकों का बता रहा है। भगवान भगवान होता नहीं है कुछ भी, भगवान है ये कोई देवता नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा करते हुए। अब विज्ञान दावा करते हैं, वहाँ बड़मूला ट्रेंगल में जाके क्यों नहीं दावा करते हैं? वहाँ से क्यों कतरा के गुजर जाते हैं? अगर उनमें भगवान की भगवती बैठी हुई है, उनमें बुद्धि ज्यादा है, तो वहाँ से कतरा के क्यों निकलते हैं? जहाजों को, पानी के जहाजों को, हवाई जहाजों को, पनडुब्बियों को वहाँ क्यों नहीं ले जाते? भूत प्रेतों से कतराते रहते हैं और भगवान को मानते नहीं। अभी क्या, वो तो हमेशा से नेग्लेक्ट करते आए हैं। है अब पृथ्वी विनाश के, यानी धरती जो है अनुसार विनाश के कगार पे है, हम केंद्रों को उसे भी उनमें प्रवेश कर चुके हैं, इस बात को बोल के साबित करके तो वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे को क्या सहयोग कर रहे हैं? सृष्टि का विनाश होने वाला है, सृष्टि का विनाश होने वाला, तो विनाश को कौन मानेगा जब तक तुम नई दुनिया की स्थापना को नहीं दिखाओगे? वो तो बोल रहे हैं कि अभी मैंने माना जाए तो नई दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता है? 300 वर्ष की बात बता रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जो बता रहा है नहीं, वो तो ठीक है, वो उनका कहना है कि सूर्य लगातार तपता जा रहा है, सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो जमे हुए मीलों ऊंचे पहाड़ हैं वो सब पिघल रहे हैं, फट रहे हैं, और वो फट करके उनका जो ये बर्फ का जो शिलाखंड है वो समंदर में आकर के बह के आ जाएंगे, तो समंदर का स्तर बहुत ऊंचा चला जाएगा, उससे सारी पृथ्वी जो है वो पानी से डूब जाएगी। वो तो ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक वो नई दुनिया की स्थापना की बात नहीं बतावेंगे, विनाश की बात बताते रहेंगे, तो जैसे ब्रह्मा कुमारियां विनाश होने वाला, विनाश होने वाला, विनाश होने वाला, ये साबित करके नहीं दिखा रहे हैं कि नई दुनिया कैसे बनेगी, कृष्ण का जन्म कैसे होगा, बच्चों का जन्म कैसे होगा नई दुनिया में, वो नहीं बता पाती। वो तो मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा बोल रहे हैं, मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा बोल रहे हैं। तो उनके बोलने से कोई मान लेगा? तुम मान लो, तुम सुनो बैठ के, तो फिर बोलते काहे के लिए भरी सभा में? तुम्हारा प्रभाव पड़ा है तभी तो बोल रहे हैं।
क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐरा गहरा नत्थु खैरा की बातें हम सुनते भी नहीं, हम बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात मानते भी नहीं। इतना मान लिया कि वो जो कहते हैं कि शिलाखंड पघलेंगे, टूटेंगे, विस्फोटित होंगे और उनका पानी जो है वो समुद्र में स्तर को बढ़ा देगा, तो इस बात को हम मानते हैं। बाकी बाकी सारी दुनिया डूब जाएगी। जो 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 हिमालय पहाड़ है, उस हिमालय पहाड़ पर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो डूब जाएंगी, ये बात कैसे मान लें? नहीं तो मैं ये सब मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना तो पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। तो बाबा ने जैसे बोल के रखा हुआ है कि बाहर की दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती है वो हम सूक्ष्म हम पीड़ितों के संकल्पों से उठने के बाद ही चलती है। तो बाबा ने जो कुछ बताया वो बातें धीरे धीरे विज्ञान में साबित होती जावेंगी। आगे चल करके विज्ञान तो क्या, भूगोल हो, इतिहासवेत्ता हो, पामिस्ट्री जानने वाले हो, भविष्यवेत्ता हो, वो सब का ज्ञान यही बताएगा कि भगवान का ज्ञान सच्चा है। सब एक बिंदु पर आकर के टिकेंगे, तभी भगवान का ज्ञान सच्चा साबित होगा। अभी ऐसा क्या हुआ है बाबा जिसकी वजह से ये बाहर की दुनिया में इतना हलचल मच गया है? मैं ये अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारी याद की प्रभाव, तुम्हारी याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है घट रही है? बराबर है, प्रैक्टिस बढ़ी नहीं, याद की प्रैक्टिस बढ़ नहीं रही है, हैं? अच्छा, जो खींच के याद करना पड़ेगा और जो सहज याद करना पड़ेगा उसमें ज्यादा टिकाव किसमें होगा? है सहज याद में टिकाव हो जाएगा। तो हमारी अवस्था बढ़ रही है तो दुनिया में उसकी प्रत्यक्षता हो रही है। हमारी जब अवस्था संपूर्ण बन जाएगी तो सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी। और ज्ञान के लिए हुजूम में बैठना चाहते हैं? ज्ञान करने के लिए, याद के लिए बाबा को याद करना है तो हुजूम में बैठना जरूरी है। हुजूम समूह में अच्छी बात है, अगर एकाग्र होकर के सभी बैठे हैं तो वो अवस्था ज्यादा काम करेगी। संघौ शक्ति कलौ युगे, एक धागा जल्दी टूट जाएगा, अनेक स्मृति के धागे मिला के बैठेंगे तो रास्ता बन जाएगा, उसको माया नहीं तोड़ पाएगी। और इस्लाम धर्म वाले जो हैं वो संगम युग में अपनी देहभान खलास नहीं कर पाते हैं, इसलिए संगम युग में अपना देहभान पूरा खलास नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दफन करते हैं, जलाते नहीं है हिंदुओं की तरह। फिर बाबा एक तरफ मुरली में कहते भी हैं कि इस्लामी ही सबसे पहले मरेंगे। उसका कारण है कि सबसे पहले जिंदा कौन हुए दुनिया में? सबसे पहले दुनिया में विदेशी कौमों में कौन सी कौम आई? जो पहले आए वो ही पहले मरेंगे। और मैंने संगम में उनका देह भान पूरा खलास हो जाता है। उनका ये क्वेश्चन है जो क्या क्या देवता जाते हैं साथ में कुत्ता भी जाता है, किस स्टेज में जल मरते हैं? कुत्ता कुत्ता तो सबसे पहले गिर गया। जब ऊंची स्टेज में पांडव चढ़े तो सबसे पहले कौन गलमरा? कुत्ता गलमरा, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञान में गहराई में नहीं जाते हैं, वो तो बात को पकड़ लेते हैं। उनके शास्त्रों में ज्ञान की गहराइयां नहीं है, लेकिन मिलिट्री मैन बहुत अच्छे हैं, मर जाएंगे जान दे देंगे।
से पहले मारने का। अमेरिका की बिल्डिंग ऐसे ही नहीं टूट के धराशाही कर दी, जीवन दे दिया उन्होंने अपना। ऐसी मर मिटने की जो लागत है वो और कोई कौम में है ही नहीं। और उसका भी युधिष्ठिर के साथ गया तो, लेकिन मरा पहले कौन और जीते जी कौन गया? जीते जी युधिष्ठिर गया, जीते जी मरने वालों में अब्बल निकला युधिष्ठिर, और सबसे पहले मरा कुत्ता, फिर द्रौपदी, फिर नंबरवार और छोटे छोटे पांडव और बड़े पांडव। और बाबा भी आपने बोले थे इस्लाम धर्म से शुरू हुआ है जी। और वैसे तो शास्त्रों की मान्यता के आधार पे ऐसा बोला गया है कि एडम और ईव, आदम और हव्वा ही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बोला गया था कि इनका बिंदु का कुछ नहीं होना है, इसका फल नहीं लेना है। उन्होंने जबरदस्ती उसका उपयोग उपभोग किया हाँ, तो वो एडम कौन है? एडम और ईव में भी दोनों में पहले अवस्था किसकी खराब हुई? एडम की। शास्त्रों की बात आधी उठाओगे आधी छोड़ दोगे। ईव की अवस्था पहले खराब हुई, और ईव माँ है, जगदम्बा है, तो जगदम्बा बच्चों से प्रभावित होती है, माँ बाप से प्रभावित होती है, बच्चों से प्रभावित हो जाती है। तो जैसे ही इस्लाम उतरता है वैसे ही वो उससे प्रभावित हो गई। और एडम तो ईव का आधार लेता है, रामकृष्ण की आत्माएं तो साथी का आधार लेकर के चलने वाली हैं, और जो विधर्मी है वो साथी का आधार नहीं लेते, वो जल का आधार लेते हैं। और जीव जंतु हैं वो जल के आधार पर अपना प्रभाव कायम करते हैं, कच्छ मच्छ अवतार। और रामकृष्ण के अवतार वो किसका आधार लेते हैं? धरणी का आधार लेते हैं, तो उनको तो धरणी का आधार लेना ही लेना है, गिरना ही है। निमित्त कौन बना इस सृष्टि पर आने के? वैसे तो मान्यता तो एडम और ईव से ही है ना, कर्म के फलों का उपयोग अब बहुत जरूरी नहीं किया। हाँ तो बच्चे के प्रभाव में या कई बार इनके प्रभाव में आकर के क्यों ने ऐसा किया? कोई ने ऐसे किया, मैंने किसने किया? एडम का नाम क्यों लेते हो पहले? हाँ तो ईव का नाम लो। यहाँ भी सृष्टि में ब्राह्मणों की दुनिया में पतन का कारण पहले कौन बनता है? क्या राम वाली आत्मा नीचे गिरती है? राम वाली आत्मा नीचे गिरती है या जगदम्बा की आत्मा नीचे गिरती है? तो फिर तो पतन तो होना ही होना है। इसलिए माताएं जब उठेंगी तो सारा संसार उठेगा। उन माताओं में मुख्य है जगदम्बा, और उसमें भी काम करने वाली आत्मा है ब्रह्मा। दुनिया के आधार से बोला हुआ है कि ये ब्रह्मा सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे। यही तो बात बताई, सारी बात आ गई ईव के ऊपर। तो जब ब्रह्मा गलती कर रहा है, ब्रह्मा नहीं सुधर रहा है, तो सजा ब्रह्मा को ले लेना बाबा है, बाकी बच्चों को क्या प्ले कर लेना? बच्चों को क्या? हाँ, जो ब्रह्मा नहीं सुधर रहा है हाँ, तो उसको सजा मिलना चाहिए, बच्चों को क्यों मिलना चाहिए? ब्रह्मा को शरीर नहीं है ना,
जो सजा खाएगा वो शरीरधारी खाएगा, या जिसको शरीर ही नहीं है वो सजा खाएगा? है धर्मराज ही साकार मानता है, जगदम्बा ही साकार में धर्मराज। ब्रह्मा बाबा करेंगे पाठ साकार शरीर से होता है या सूक्ष्म शरीर से होता है? साकार कौन है? जो विधर्मी विदेशी हैं वो फरिश्ताओं को मानते हैं और स्वदेशी देवताओं को मानते हैं। देवताएं साकार होते हैं और फरिश्ताएं आकारी होते हैं। भूत प्रेतों को मानने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं। हम भूत प्रेतों को नहीं मानते, ना भूत प्रेत हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। भूत प्रेत बीज रूप स्टेज में स्थायी नहीं हो पाते, वो ताकतवर कैसे बनेंगे? हम तो बीज रूप स्टेज पकड़ लेते हैं। अगर हमारी बीज रूप स्टेज नहीं बनती है तो भूत प्रेत हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है तो उनकी सवारी हमारे ऊपर होती है। नहीं तो हमसे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई धर्म की कौम नहीं है। विमान दुर्घटना हुई है? विमान दुर्घटना होती रहती है। हाँ, किबसोल ने काम किया? नहीं, किबसोल भी काम करती है। अभी जैसे बता रहे हैं बैंगलोर का बता रहे थे, बैंगलोर में जो विमान दुर्घटना अपने आप को मिलेगा? अपने आप कुछ नहीं होता है, कोई न कोई गलती से होता है। इविल सोल की गलती नहीं, इविल सोल तो अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा करेगी। गलती उनकी है जो अपनी स्टेज में टिके हुए, स्थिति में टिके हुए नहीं है। है वो ही सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो अपना हिसाब किताब पूरा करती हैं। हम ब्राह्मणों में भी भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं, आगे चल के 14-14 आत्माएं भी प्रवेश कर जाएंगी। एक एक रुद्राक्ष के मणके में 14-14 मुख होते हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद भी तो प्रवेश करेगी? शरीर छोड़ने के बाद किसमें प्रवेश करेगी? हाँ, शरीर छोड़ने के बाद किसमें प्रवेश करेगी? जो उनका दूसरा घोड़ा होगा उसमें प्रवेश करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। शरीर छूट गया फिर तो प्रवेश करने की बात ही नहीं। नहीं, वो जो शरीर छोड़ के वो भी तो प्रवेश करेंगे ना? जो शरीर अचानक मौत में छोड़ते हैं वो प्रवेश करते हैं, और अचानक मौत होते हुए भी उनकी मेंटलिटी देखी जाती है। युद्ध में लड़ते लड़ते अचानक शरीर छूट गया, गर्दन काट दी, क्या वो भूत प्रेत बनेंगे? उनकी तो शुद्ध भावना है, वो तो बढ़िया जन्म लेंगे, देश के लिए मिटे हैं, श्रेष्ठ भावना है, वो भूत प्रेत नहीं बन सकते। जिनकी मेंटलिटी खराब होती है वो भूत प्रेत बनते हैं। अंत मते सो गते। चिंता हाँ, युद्ध में लड़ते लड़ते जिनकी गर्दन कट गई तो सूक्ष्म शरीर उनको नहीं मिलेगा, है? उनको जन्म मिलेगा, हाँ, अच्छे घर में जन्म मिलेगा। इसलिए मान्यता है कि जो युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण छोड़ते हैं स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग तो अभी है नहीं, हाँ, सुख के परिवार में, सुखी परिवार में जन्म लेते हैं। और शरीर छोड़ के पुनर्जन्म ले लिया, इसका कैसे ये करेंगे? जैसे शरीर छोड़ दिया, इसका पुनर्जन्म हुआ वो तो जब किसी में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएगी तभी पता चलेगा। शरीर छोड़ के सब कोई जन्म नहीं ले लेता। एडवांस की कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनका भक्ति मार्ग का कोई न कोई
संस्कार 100% पक जाता है तब शरीर छोड़ती है। अगर अचानक मौत हुई है तो शरीर सूक्ष्म शरीर लेगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि रुद्रबाला का मन का है, इसलिए उनको शरीर तो लेना ही लेना है। वो तो जब पार्ट बजावे तभी तो पता चलेगा। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के गुलजार दादी में प्रवेश करे तभी तो पता चलेगा, पहले से कैसे पता चल जाएगा। बहुत से भूत प्रेत ऐसे भी हैं जो प्रवेश कर जाते हैं, कहते हैं मैं चंडिका हूँ, मैं ये देवी हूँ, मैं वो देवता हूँ, तो थोड़े समय तक उनकी पोल पट्टी नहीं खुलती है। अभी भगवान आ गया तो सबकी पोल पट्टी खुल गई, ये कोई भी देवता नहीं है तो सारे ही भूत प्रेत हैं। विशेषकारी यही है कि थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलेगा। ब्रह्मा बाबा को तो हमेशा के लिए सूक्ष्म शरीर हो गया, तो अपना शरीर कहाँ मिला ब्रह्मा को? तो ऐसे ही दो अंतर हो गया ना, रुद्रमाला के मणकों में एडवांस वालों में और ब्रह्मा जैसी आत्माओं में ये अंतर हो गया। ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो अब शरीर छोड़ रही हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर जन्म नहीं लेंगी। और हम ब्राह्मण बच्चे, हम अगर शरीर छोड़ेंगे भी अचानक तो हमको जन्म लेना ही लेना है, भले थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाना पड़े। अगर अचानक शरीर छूटता है तो ये अंतर हो गया। वो तो पार्ट बजाएगा तभी पता चलेगा ना अंतर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे एडवांस की आत्मा है थोड़े समय के लिए सूक्ष्म में अपना पार्ट बजाएगी फिर जाकर के जन्म ले लेगी, तो उस आत्मा को कैसे तक, जैसे भी जिस समय जन्म लेगी उस समय वो अपने कर्तव्य से बताएगी कि मैंने कब जन्म लिया और उससे पहले क्या पार्ट बजाया। अंत में सबके पार्ट खुल जाएंगे। हर आत्मा अपने मुख से अपनी चलन से स्वतः ही अपने अनेक जन्मों के पार्ट को बता देगी। और रजिस्टर में कुछ बच्चे जो नाम लिखते हैं कुछ पीबी के लिखते हैं, कुछ बीके लिखते हैं। बीके यहाँ इनके अंदर जो भर्ती नहीं किया है वो बीके लिखते हैं। इनके यहाँ माने विश्रामपुर, कुछ विश्रामपुर में बीके लिखते हैं, जो भर्ती नहीं किया है वो बीके लिखते हैं। तो अभी बच्चे पैदा ही नहीं हुए हैं, बाप के बच्चे ही नहीं बने, गर्भ में पकेंगे नहीं तो तब तक बीके हैं कि पीबी के हैं? बाप के घर में बच्चा जन्म लेगा तभी तो बाप का बच्चा बनेगा। है बिना भर्ती करे हुए बीके लिखना, बीके ही लिखना चाहिए, ठीक तो लिखते हैं। अच्छा बाबा, जिन्होंने कोर्स कर लिया, मान भर्ती नहीं किया है, कोर्स किया हुआ है, ज्ञान से निश्चय बैठ गया है, बाप बाप ने कहा कि अगर निश्चय बैठ जाए तो एक दिन भी रुकेगा नहीं, भागेगा भर्ती करने के लिए, बाप को देखने के लिए। और झूठ बोलते हैं हमको निश्चय हो गया। ऐसी आत्माओं को बाबा से मिलना बेकार है? कहाँ मिलती है, भर्ती करने के बाद ही तो मिलने के लिए परमिशन है। बिना भर्ती भूत प्रेत हैं, भगत हैं, तो जबरियन मिलते हैं, चुरा चुरा के मिलते हैं, चोरी से आगे बैठ जाएंगे, जो चोर चकार है ना उनकी शूटिंग काई की हो रही है, भूत प्रेत की शूटिंग हो रही है, भक्तों की शूटिंग हो रही है, भक्तों को वर्षा तो मिलता नहीं। अरे उनसे पूछो, इन आंखों से भगवान दिखाई पड़ जाएगा, तुम घुस के बैठ जाओगे असुरों की तरह, राहु केतु की तरह, तो तुमको भगवान देखने में आ जाएगा।
इन आंखों से भगवान देखने में आता है? आता है नहीं आता? भगवान को तो तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र, ऐसा फोर्स पैदा करो, फोर्स लेकर के जो दिखाई पड़ने लगे। और भगत 35 करोड़ देवी देवता गए हैं, 35 करोड़ देवी देवता परंपरा से करते हैं, तो ये क्या कलयुग के अंत तक करते हैं? हर धर्म की आत्मा कलयुग के अंत तक उतरती रहती है, कोई भी धर्म का विनाश नहीं होता, सब धर्मों का तामसीपने का विनाश अंत में ही होता है जाकर। देवी देवता धर्म ही क्यों न हो, उसमें भी जो सात्विक होंगे वो रहेंगे, तामसी जो होंगे उनका पत्ता साफ, 4.5 लाख रहेंगे वो ही सात्विक हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख सात्विक हैं। तो है नहीं, अभी सबसे ज्यादा देवता नीचे गिरते हैं, सबसे ज्यादा राजा का बच्चा नीचे गिरेगा कुसंग में आकर के, या गरीब का बच्चा कुसंग में आके नीचे गिरेगा? जिसमें ज्यादा ताकत है, जिसके खून में, वो ज्यादा नीचे गिरेगा। जैसे कलयुग में कई भूत प्रेत आत्माएं शरीर में प्रवेश होकर के और अपने आप को देवी या देवता बताती है, तो ये भूत प्रेत आत्माएं जो कलयुग के अंत में यानी वर्तमान में किसी में प्रवेश होकर के अपनी को देवता बताती है, वो आत्मा है, तो वास्तविक आत्माएं कलयुग की देवता है या कौन सी आत्मा है? वो देवता ही नहीं, दूसरे धर्म के होते हैं, वो ही धर्मी बनते हैं प्रवेश करने वाले, चंद्रवंश से लेकर के और इस्लाम वंश या दूसरे वंश वाले, वो गिरती कला वाले जो हैं सूर्यवंशी थोड़े ही भूत प्रेत बनते हैं। वो तो भूत प्रेतों को जलाने वाले हैं, भूत प्रेतों की दुनिया को जलाने वाले हैं, जो पक्के देवी देवता धर्म के हैं वो 4.5 लाख, वो तो भूत प्रेतों की दुनिया को खत्म करने वाले हैं। उनको भटकना नहीं पड़ता है, भटकना कहाँ नहीं पड़ता है? अभी है सतो प्रधान, जब बाप आते हैं तब वो तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं, जीते जागते भूत बन जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भटकती तो नहीं, ये मतलब है? शरीर छोड़ने के बाद भटकने वाले वो बनते हैं जिनके अचानक शरीर छूटते हैं, अचानक शरीर उनके छूटते हैं जो चंद्रवंश से लेकर के नीचे नीचे वाले धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो भूत प्रेत बनते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं, जो पूरा ज्ञान नहीं उठाती इसलिए कुकर्म करती है। जो पूरा ज्ञान उठाने वाले हैं पहले जन्म के, वो तो ज्ञानी तू आत्मा है, पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है जो और धर्म की प्रजाओं में नहीं होती है, उनकी यही खसूसियत है कि उनके कर्म ऐसे श्रेष्ठ हैं कि उनको भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा को भी भूत प्रेत बनना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा के साथ में फिर तो गुलजार दादी में शिव बाबा आ गया। नहीं नहीं, क्या क्या ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के मुकाबले बुद्धि योग में शिव बाबा के साथ, बुद्धि योग से हैं, बुद्धि योग से, बुद्धि से हम बच्चों की याद उतनी पावरफुल नहीं है, बिंदु की याद, निराकारी याद जितनी उनकी याद पावरफुल, वो विधर्मी है या सुधर्मी है आत्मा? चंद्रमा, ब्रह्मा, चंद्रमा तो अपने सुधर्मी है, चंद्र को चंद्र, चंद्रमा को चंद्रवंशियों को सुधर्मी कहेंगे? तुम सूर्य, सूर्य के बच्चे हो या चंद्रमा के बच्चे हो? है क्या सूर्य के हैं?
चंद्रमा को विदर्भ भी कह सकते हैं, विदर्भ भी कह सकते हैं। अरे राधा दूसरे वंश से आएगी या सूर्य वंश से आएगी? हैं? क्यों? विदर्भी को कैसे? विदर्भी नीच कुल की लड़की जो है वो ऊंच कुल के लड़के से शादी नहीं करती? करती है। कैसे अपनाने की क्या बात है? जो नीच कुल के होते हैं उनको ही शरण लेनी पड़ती है। शरण परी मैं तेरे, जैसे चलाओगे वैसे चलूंगी। इसलिए बोला है सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहां जा न सके, इसलिए बड़ी बूझ हो गई है कि दोनों वंश मिलकर के एक कैसे बने। ये तो कृष्ण की बात होगी, तो और किसकी बात है? सबसे ऊंची है तुम नीचों की बात उठाने चाहते हो? हैं? बाबा ने जैसे दुनिया में बोल के रखा है कि 18-20 वर्ष के बाद तुमको जो राजगति मिलेगी, हाँ तो उन राधे कृष्ण की जो बात हुई हो रही है 18-20 वर्ष के बाद राजगति मिलेगी। क्या 18-20 वर्ष के बाद? जब तुम 18-20 वर्ष के हो जाओगे सती की राधा कृष्ण के लिए, कबीर संगम युगी राधा कृष्ण के लिए। खुद मुझे हुए है संगम युगी जो कृष्ण है ना उनके लिए तो पहले अभी जो आप बोल रहे हैं वो बात ठीक है, उनकी कृष्ण जा ना सके इसलिए क्या राधा को स्वयं ही आना पड़ता है, राधा को ही आना पड़े। तो जब सचिव जब स्टार्ट होता है, है? तो सचिव जब स्टार्ट होगा जब सभी बच्चे होंगे। अरे सतयुग तो नीचा युग है, नीचे युग की बात ही क्यों याद करना? हम तो ऊंचते ऊंच कुल के और ऊंचते ऊंच युग के आदमी हैं। हमसे ज्यादा ऊंच तो पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। संगम युग के मुकाबले सतयुग के सुख तो कोई काम की चीज नहीं। वहां तो याद ही नहीं रहेगा कि हम नीचे गिरेंगे जन्म जन्मांतर, यहाँ तो हमें याद है हम लगातार ऊंचे उठेंगे ऊंचे उठेंगे ऊंचे उठेंगे। तो फिर वो राधा कृष्ण जन्म कब होगा? कौन से राधा कृष्ण? जैसे प्रत्यक्ष रूपी जन्म के बारे में तो बता दिया कि 18-19 के आसपास है, संगम युग कृष्ण है 18-19 के आसपास भी बताया ना। हाँ प्रत्यक्ष रूपी है, तो अभी तक तो हम ये समझने कई ब्राह्मण बच्चे यही समझ पा रहे थे कि वो सतयुग कृष्ण होगा जो जन्म ले लेगा, सतयुग का कृष्ण संगम युग में जन्म ले लेगा। तो अरे एक बात का जवाब दो, सतयुग का कृष्ण संगम युग में जन्म ले लेगा क्या? हैं? तो 2018 में संगम होगा या सतयुग होगा? ज्ञान की दृष्टि से तो सतयुग शुरू हो चुका है। तो फिर वो बात क्यों करना? ज्ञान की दृष्टि से ही बात करो, अज्ञान की दृष्टि से क्यों कर रहे हो? सतयुग शुरू हो चुका, संगम युग खत्म हो गया। बाबा ने कैसे बोला? वो मन के अंदर है या बाहर प्रैक्टिकल में भी है? तीरी पर बहस लाया हूँ या बाहर प्रैक्टिकल में लाया हूँ? सिर्फ बुद्धि में नक्शा बना है या प्रैक्टिकल में भी बन करके खड़ा हो गया? तो फिर और तो फिर राधा कृष्ण का जन्म जब संगम युग पूरा होगा, संगम युग खलास होगा, तब एक्यूरेट सतयुग शुरू होगा, तभी उनका जन्म होगा। और उनके जन्म की तो शास्त्र में कोई गायन ही नहीं है, उनकी तो बात ही करना मूर्खता है।
ये तो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती की बुद्धि में आना चाहिए सतयुग के कृष्ण की बात, क्योंकि उनको जन्म लेना है वैसा। अब मैं तुमको कहाँ जन्म लेना है, तुमको जन्म कहाँ लेना है, कौन से युग में जन्म लेना है, पहला जन्म कौन से युग में लेना है, संगम युग में। तो नंबर दो की बात क्यों कर रहे, अब नंबर दो की बात छोड़ दो है, याद ही नहीं करना। और स्वाति नक्षत्र क्या होता है, स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र क्या होता है, स्वाति जाता है, स्वाति नक्षत्र उसे कहते हैं जब पहली बरसात शुरू होती है गर्मियों के बाद, उसे कहते हैं स्वाति नक्षत्र, स्वस्थिति में स्थित होने वाला नक्षत्र। जैसे पपिया उसका पहली बरसात का पानी पीता है, समुद्र के जल में जो कीड़ा है मुंह खोल करके पहला बूंद ग्रहण कर लेता है, मुंह तो मोती बन जाता है। और सीढ़ी में बाबा ने बोला कि पेड़ भी बोलते नहीं है, हवा चलती है तो पत्ते आपस में रगड़ते हैं, बोलते नहीं, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो पेड़ बोलते नहीं है, चलते नहीं है, हलन चलन नहीं होती उनमें, पेड़ आवाज नहीं करते। अरे हम भी आवाज करते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है कि नहीं, बिना हवा निकाले हमारे मुंह से आवाज निकलेगी, हवा से कनेक्टेड है आवाज, तो पेड़ भी आवाज करते हैं, हिलते डुलते हैं, इसलिए पेड़ों में भी चैतन्य आत्मा है लेकिन जड़त्वमयी आत्मा है। जब विनाश होगा तो पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे, सब की आत्मा परमधाम जाएगी, वो नीचे स्तर में रहेगी, मनुष्यों की आत्मा ऊंचे स्तर में रहेगी, और परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचे स्तर में। और बाबा रामों में जैसे बोला गया है कि ब्रह्मा की आयु 84 दिन में फिर भी 50 वर्ष कम हो जाती है, तो ये 50 वर्ष अगर कम कर दे तो कौन से ब्रह्मा की बात है, कौन से ब्रह्मा की बात है, पहले से कौन से ब्रह्मा की बात है, ये दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है, अगर 50 ऐड करें, 50 वर्ष ऐड कर दें किसके, ब्रह्मा के, तो वो तो 2018 आ ही जा रहा है, 50 वर्ष ऐड कैसे ऐड कैसे कर देंगे, अरे 5000 के ड्रामा में 84 जन्म, हाँ तो 84 जन्म में पूरे 84 जन्म नहीं हुए क्योंकि इनके फिर भी 50 वर्ष कम हो गए। अरे वो मुकर्रर था ही नहीं, उसकी बात तुम क्यों करते हो, अधूरे की बात करते हो, नंबर दो की बात क्यों करते हो, तुम तो नंबर तीन की बात करने लगे, तुम्हारी बुद्धि में कौन सा ब्रह्मा बैठता है, नंबर तीन का और का। अभी जैसे संगम युग में जो बोला हुआ है कि 2018 में नारायण के कृष्ण की प्रत्यक्षता का जन्म, हाँ तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा जैसे विष्णु की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं को चलाने वाला 5वां एक और है, वो 5ों आत्माएं मिलकर के जब समान संस्कार वाली बन जाएंगी तभी विष्णु की प्रत्यक्षता हो जाएगी, ब्रह्मा जितने भी हैं 5ों ब्रह्मा विष्णु बन जाएंगे। आदि के दो बताए, हाँ और बाद के दो बताए, बाद के दो में एक तो आप हो गए, आप हो गए, हम कह रहे आप हो गए, हाँ जगदम्बा हो गई, हाँ अरे ब्रह्मा सरस्वती हुए, ब्रह्मा सरस्वती हुए या नहीं हुए, बाबा बीच वाले जी को बोल रहे हैं, दादा लेखराज, हाँ वो दो मूर्ति हो जाएगी,
वो दो मुखी हो जाएंगे, दो सिर हो गए क्या? दो सिर हो गए, दो आदमी थे, ज्ञान का चक्कर चलाना शुरू किसने किया? हाँ, ओम राधे ने। तो वो ज्ञान का चक्कर चलाने वाला हाथ नहीं है विष्णु का, वो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला हाथ नहीं है। छह कहाँ हो गए? छह मुखी तो वो होता है कार्तिकेय असुर, छह मुंह से बात करने वाला। ब्रह्मा सरस्वती और इधर राम जी का हो गया, उधर प्रजापिता और दिगंबर जो है अच्छे नहीं। तुम्हारी उल्टी खोपड़ी है। चार भुजाएं हैं विष्णु की, चारों भुजाएं ब्रह्मा बनती हैं, और चारों भुजाओं को चलाने वाला जो बुद्धि रूपी हाथ है वो राम वाली आत्मा, वो भी भुजा है, मुख्य है, वो सबको चलाने वाला है। इस तरह पांच ब्रह्मा हो गए, इसलिए ब्रह्मा को पंचमुखी दिखाते हैं। हाँ, पांच ब्रह्मा जब कन्वर्ट होते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। और बाबा ने तो मूर्ति के लिए बोला बाबा, मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। ठीक है, परंतु मुरली में ये बताया गया है कि सरस्वती जगदम्बा के में तो कभी बाबा प्रवेश नहीं। सरस्वती जगदम्बा से ज्यादा फॉलो करने वाला भी कोई निकला ब्राह्मणों के बीच में? कोई निकला? तो ये फॉलो करने का काम किसने किया? ओम राधे ने किया या शिव बाबा ने किया? ओम राधे ने किया होता तो 63 जन्म और भी कर लेती, तब तो किया नहीं। अपने संगी साथी को फॉलो, विष्णु बन के नहीं दिखाया? ये फॉलो करने का काम किसने किया ओम राधे के अंदर? अरे किसने किया? अरे ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया या शिव ने बजाया? तो ये शिव जिसमें प्रवेश होता है उसी का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो है, जो ज्ञान मार्ग में चलते तीन है, दो नहीं है, तीन है। जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो बाबा रक्षा करते हैं, जो भक्ति मार्ग रहते हैं तो भी कौन करते हैं? रक्षा कहाँ होती है वहाँ? वहाँ रक्षा होती है तो गिरते क्यों जाते हैं? वहाँ रक्षा होती है तो पापी कंजुग में जन्म लेते जाते हैं, गड्ढे में जाते हैं कि ऊपर जाते हैं? अरे आप जानी तुमने नहीं तो भगवान तो बना रहे तो सब बच्चे हैं, सब बीज हैं। भगवान के बनाए हुए सब बच्चे हैं? भगवान बच्चों को बनाता है? नहीं, बीज बोते हैं तो उनको भी बनाए हैं, बीज बोए हैं। भगवान ने भक्तों को बनाया? सबको बनाए हैं भगवान। बनाया कब? बनाया बीज बोए हैं कब? बनाया भगवान ज्ञान का बीज बोता है। भगवान आकर के भक्त नहीं बनाता है, भक्त हम बनाते हैं। तो उनका रक्षा कौन करेगा? इनकी भक्त लोग, भक्त तो राक्षस होते हैं, खुद की खुद का पतन करते हैं और दूसरों का भी पतन करते हैं, उनको राक्षस कहेंगे या भगवान के बच्चे कहेंगे? भक्तों को वर्षा मिलता है फिर, और बच्चों को जीते तो हैं भगवान, और बच्चों को जीते तो कीड़े मकोड़े भी हैं। कीड़े मकोड़ों को वो ही मिलना चाहिए जो भगवान के बच्चों को मिलता है। फिर जीना, वो जीना तो क्या बड़ी बात हो गई? जीना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की मत पर चलना बड़ी बात है। ये तो क्या जिए? तो माता जी भक्तों की वकालत कर रही है, भगवान ज्ञानियों की वकालत करता है। भाई भक्तों तो आदमी है, जीव है, जीव कीड़े मकोड़े नहीं है। अब जो दुखी है मैं सामने देखूंगा, हमें तकलीफ नहीं होगा?
बिच्छू तुमको काट लेता है, सांप तुमको काट लेता है, उसको डंडा लेके मारती हो? काकरोच को क्यों मारती हो? और क्यों है क्यों मारती हो? अच्छा, हमारे अंदर जान नहीं है, वही जानवर है, हम जानवर नहीं है, मनुष्य तो जानवरों से भी बदतर जानवर, ये तो बात है। अच्छा छोड़ो,